चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। और आज हम शूट कर रहे हैं मेरे घर से, मीडिया रूम से। मेरे घर में जो मीडिया रूम है उधर का टीवी मुझे चेंज करना था, एंड सैमसंग का जो फ्रेम टीवी है, फ्रेम क्यूलेड 65 इंचेस टीवी है, वो आज इसके बारे में बताने वाला हूं। ये जो है, दिस इज नॉट अ पेंटिंग, दिस इज एक्चुअली अ फ्रेम। बट लुक एट दिस, अगर आप पास से देखोगे दोस्तों, इट विल फील एज इफ इट इज अ फ्रेम विथ अ नाइस एक्सपेंसिव पेंटिंग। सब कुछ इस टीवी के बारे में बताने वाला हूं और क्यों मैंने डिसीजन लिया कि भाई ये जो टीवी है ये मैं लेने वाला हूं, मेरे मीडिया रूम में रखने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि व्हाई डिड आई चूज टू कीप दिस टीवी। मेरे पास तो इतने सारे टीवीज आते हैं लेकिन ये टीवी मुझे क्यों चाहिए था? आई हेट वायर्स, मुझे वायर्स पसंद नहीं है। और जब भी आप कोई भी टीवी लेते हो, केबल टीवी की वायर, उसकी एचडीएमआई की वायर, मेरा जो एक्सबॉक्स है उसकी, ऐसे अलग अलग वायर्स होते हैं, एंड द लुक कंप्लीटली खराब हो जाता है आपके मीडिया रूम का, बिकॉज इट डज नॉट लुक गुड, यू आर टेकिंग एक्सपेंसिव टीवी। बट नॉट विद दिस वन। वन ऑफ द मेन रीजन इज एक वायर सिर्फ आती है दोस्तों। एक तो सबसे पहले ये जगह नहीं लेता है। आप अगर इस वॉल के पास देखोगे, इट इज फ्लश विथ वॉल, ऐसे लगता है कि इट इज जस्ट अ फ्रेम, एक फ्रेम लगाई हुई है बस, दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्रेम टीवी। एंड एक ही वायर आती है, जो भी सब कुछ HDMI के पोर्ट्स वगैरह हैं, सब कुछ आपको वन कनेक्ट बॉक्स में मिलते हैं थ्रू वन इनविजिबल वायर, बेसिकली ट्रांसपेरेंट वायर है जिसकी वजह से वो दिखती भी नहीं है। अगर मेरे मीडिया रूम में देखोगे तो मैंने पीछे से वो एक सिंगल वायर ली हुई है और नीचे वन कनेक्ट को लगाई हुई है। सो दैट इज माई मेन रीजन कि भाई टीवी के सिवा कुछ नहीं दिखता है। वैसे दोस्तों, ये जो टीवी है कल डिलीवर हुआ था, इंस्टॉलेशन का बंदा आया, एंड इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा आपकी कोई भी वॉल हो, पीछे उसका एक ब्रैकेट आता है विच इज वेरी सिंपल ब्रैकेट, वो लगा देते हैं। 15 से 20 मिनट में ओवरऑल इंस्टॉलेशन हो गया एंड वी वर अप एंड रनिंग। वैसे दोस्तों, अगर बॉक्स खोलोगे तो बॉक्स के अंदर आपको ऑब्वियसली टीवी मिलेगा, उसके साथ में ये जो नो गैप वॉल माउंट है, बिल्कुल भी फ्लश होता है आपके वॉल के साथ, वो मिलेगा, थोड़ा अलग है। सो दैट इज वॉट यू गेट, मल्टीपल केबल्स मिलते हैं एंड दैट वन कनेक्ट बॉक्स जिसके ऊपर सब फंक्शंस है, पोर्ट्स है, वो भी मिलता है आपको। और हाँ दोस्तों, ये जो रिमोट है, ये देख रहे हो आप, ये रिमोट आपको मिलता है विच इज स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली कर्व्ड, लुक्स वेरी प्रीमियम, और उसके बैटरीज भी मिलते हैं। वैसे दोस्तों, अलग अलग साइजेस और वेरिएंट्स मिलते हैं, 50 इंचेस है, 55 इंचेस है, दिस वन इज 65 इंचेस। आप फ्लिपकार्ट पे बाय कर सकते हो या फिर सैमसंग के वेबसाइट के ऊपर भी बाय कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक्चुअल टीवी के बारे में, एंड आई टेल यू व्हाट, इट डज नॉट फील लाइक टीवी। जैसे मैंने बताया, आर्ट वर्क आपके जो भी डेकोर है, आप हॉल में लगा रहे हो, आपके मीडिया रूम में लगा रहे हो, किधर भी लगा रहे हो, इट विल नॉट टेक अप स्पेस। एक जैसा फ्रेम होता है वैसे ये टीवी भी फिट हो जाएगा। एंड अगर बेजल्स के बारे में बात करूं, दे बहुत ही पतले हैं, दे आर नॉट शाइनी, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिव, दे लुक वेरी गुड। अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं, इट इज रियली बिल्ट वेल। एंड अगर टोटल थिकनेस के बारे में बात करूं, इट इज आई थिंक अराउंड 2 सेंटीमीटर्स थिकनेस थ्रू आउट, बस दैट्स इट। पीछे किधर भी बंप नहीं है या फिर ज्यादा मोटा, जनरली दूसरी टीवीज आप देखते हो तो नीचे की तरफ इट इज मोर थिकर, नॉट विद दिस वन। दोस्तों, जब आप कोई प्रोग्राम्स वगैरह नहीं देख रहे हो, देन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ आर्ट पीस। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें आर्ट स्टोर आता है जहां पे आपको दुनिया भर के 38 गैलरीज और नामी जो पेंटर्स वगैरह, विंसेंट वैन गॉग, ये सब जो है उनके पेंटिंग्स आपको मिलते हैं। आई थिंक दिस पेंटिंग जो है ये भी विंसेंट वैन गॉग की है, सो यू कैन पुट दिस एंड 1200 मिलते हैं, मतलब 3 साल तक हर रोज एक नया पिक्चर आप डाल सकोगे। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। दिन में इट्स अ नाइस लवली पिक्चर, शाम में अगर आप IPL वगैरह देखते हो तो वो देख पाओगे। और दोस्तों, अगर पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करूं, इट्स अ सैमसंग टीवी, क्यूलेट टीवी आता है, 100% कलर वॉल्यूम आपको आता है, एंड कलर्स वगैरह देखोगे, दे लुक रियली पंची। बहुत देर तक, कल शाम को और आज सुबह भी दोस्तों मैं देख रहा था, इनफैक्ट इवन केबल टीवी पे नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह नेटिवली भी बहुत सारे वीडियोस मैंने प्ले किए, एंड ओवरऑल कलर्स वर वेरी गुड, द पैनल इज एक्सट्रीमली ब्राइट। और आपको तो पता है क्यूलेट पैनल्स आर ऑलवेज गुड, एंड इट इज नो डिफरेंट विद दिस वन। इवन आप व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात करोगे दोस्तों, आई विल से इट इज क्वाइट गुड। अगर ज्यादा लाइट नहीं पड़ रहा है आगे की तरफ से,
The viewing angles are quite good. और दोस्तों पंची कलर्स दिखने का रीजन है dual LED टेक्नोलॉजी आती है इसके अंदर और हाँ Samsung आपको 10 साल की नो बर्न वारंटी देता है. जनरली दोस्तों आप साइड्स में वगैरह कॉर्नर्स में देखोगे तो एक ही जगह पे एक लोगो होगा तो आपको जनरली वो बर्न इन दिखता है. नॉट विद दिस वन 10 साल की गारंटी देता है Samsung. वैसे दोस्तों अगर ऑडियो के बारे में बात करूं वेरी डिसेंट ऑडियो 40 वॉट के स्पीकर्स आते हैं और अगर आपकी ऐसी छोटी सी मीडिया रूम वगैरह होगी इट विल बी वेरी नाइस. जी हाँ बड़ा हॉल भी होगा तो भी आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ प्रॉब्लम. ओवरऑल डिसेंट ऑडियो पर प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो 1.7 गीगाहर्ट्ज़ का क्वांटम प्रोसेसर आता है एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट एन एंड्रॉइड टीवी इट्स अ टाइजन टीवी. और ये जो प्रोसेसर है परफॉर्मेंस के मामले में जब आप कोई भी बटन दबाते हो तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है. इट्स वेरी स्नैपी इमीडिएटली आपको स्क्रीन पे दिखता है. सो ओवरऑल जो इसका प्रोसेसर है क्वाइट डिसेंट. वैसे दोस्तों कुछ बहुत ही स्मार्ट फीचर्स भी आते हैं जनरली जो आपको दूसरे टीवीज में नहीं दिखेंगे. दो सेंसर्स आते हैं. एक सेंसर क्या करता है कि भाई आपका जो एम्बिएंट लाइट है उसके हिसाब से आपका जो कलर पिक्चर है वो चेंज करेगा, ब्राइट या डिम करना है तो करेगा. दूसरा जो है मोशन सेंसर भी है. तो समझिए आप देख रहे हो और आप बाहर चले गए किसी काम से, अपने आप वो चेंज कर देगा, जो प्रोग्राम वगैरह बंद कर देगा जो भी आपने सेटिंग की हुई है. सो देयर आर सम इंटरेस्टिंग स्मार्ट फीचर्स एज वेल. और हाँ इंटरेस्टिंग फीचर, मैंने सैमसंग का Q95 टीवी का भी रिव्यू किया था उसमें भी ये फीचर था, इसमें भी ये फीचर है. वॉइस एम्पलीफायर, एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर या फिर स्मार्ट वॉइस एम्पलीफायर मैं कहूँगा, जहाँ पे समझिए आप देख रहे हो और मिक्सर चालू हो गया, जनरली कुछ नहीं सुनाई देता है आपको टीवी से, ये अपने आप वॉइस जो है उतने ही टाइम के लिए एम्पलीफाई कर देगा. सो इट्स लिसनिंग टू ऑल द साउंड्स एंड चेंजिंग अकॉर्डिंगली. वैसे दोस्तों और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, एम्बिएंट मोड. एम्बिएंट मोड में क्या होता है, जब आप नहीं हो तो आपको बहुत सारी चीजें ये दिखा सकता है. एक तो आपका जो डेकोर है, पीछे की वॉल है, उसके हिसाब से अलग अलग डिजाइंस वगैरह आपको या फिर वॉलपेपर्स है वो आप डाल पाओगे. उतना ही नहीं, आपको अगर वेदर इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए वो भी आप डाल पाओगे. सो एंड कस्टमाइजेशन इतने सारे हैं, यू कैन मेक इट योर ओन एंड इट लुक लाइक पार्ट ऑफ द एंटायर डेकोर. ये जो बात है दोस्तों ये मुझे बहुत पसंद आई. चलिए दोस्तों कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे. ऑब्वियसली इसका स्मार्ट थिंग्स नाम का एक ऐप है जो आप इंस्टॉल कर पाओगे आपके एंड्रॉयड या iOS फोन के ऊपर. एंड मल्टी व्यू फॉर एग्जांपल एक फीचर है जहां पे आधी स्क्रीन में सिर्फ आप टीवी देख पाओगे और आधी में यू कैन एक्चुअली कास्ट योर मोबाइल स्क्रीन. तो दो दो चीजें एक ही टाइम पे कर पाओगे, आपको मैसेजेस पढ़ने हैं वो भी, टीवी देखना है वो भी. वैसे दोस्तों वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर है लेकिन इसमें बिक्स भी आता है जो सैमसंग का खुद का है, या फिर अलेक्सा अगर ज्यादा पसंद है वो भी आप सेटअप कर पाओगे. ओवरऑल दोस्तों आई रियली लाइक दिस टीवी एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा कि मैं ये जो है टीवी ये मेरे मीडिया रूम में डालूंगा. इसकी प्राइस भी अकॉर्डिंग टू मी इज क्वाइट गुड, डिसेंट. जो बेस प्राइस है 50 इंच की आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम 70-75,000. प्राइजेस वेरी होते रहते हैं और आजकल ऑफर्स भी चल रहे हैं तो लिंक्स उसके भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. ये जो 65 इंचेस का है अभी आपको कुछ 130,000 में मिल रहा है एंड फॉर दैट प्राइस आई थिंक दिस इज क्वाइट अ डिसेंट बाय. याद रखिए 130,000 में आजकल छोटे स्क्रीन भी आते हैं, ये तो आपको एक आर्ट पीस मिल जाता है. यस. वैसे दोस्तों आपको इस टीवी के बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. ये वीडियो अच्छा लगा आज घर से शूट कर रहे हैं, लाइक तो बनता है दोस्तों. वैसे और भी कुछ होगा तो नीचे फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.